देश का बजट पेश हो चुका है। बजट के मुताबिक भारतीय सेना को खर्च के लिए 6,21,940 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि अंतरिम बजट से महज 400 करोड़ रुपए यानी कि 0.064% ज्यादा है। यानी कि अगर इट वाज अबाउट 5.93 लाख करोड़, नाउ दिस इज 6.2 लाख करोड़। पाकिस्तान $15 अरब, सिर्फ $15 बिलियन। इंडियंस $75 बिलियन पे बैठे हुए हैं। मुझे आपकी समझ नहीं आ रही कि आपके लीडर ने कहा जाए वहाँ पे, आपका वो जो लोग हैं वो जत्थे की सूरत में चले गए, फिर आप कह रहे हैं हमें रोका क्यों नहीं, हमें रोका क्यों नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, मैं आपसे लड़ने आ रही हूँ, ठीक है, मैं कराची का टिकट लेके जहाज में बैठ के लड़ने आ रही हूँ, और फिर मैं कहूँगी आप रोके मुझे। ऐसा दोगे वो तालिबान के हाथ में जाएगा, सबको पता है, लेकिन हमने दिया, इंडिया ने दिया, और एक झटके में अफगानिस्तान को निकाल दिया चाइना के हाथ से बाहर और पाकिस्तान के हाथ से बाहर। इसी तालिबान को पैसे की बहुत जरूरत है। पिछले पाकिस्तान सिर्फ $15 अरब। अब आप देखें एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पार। वो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की निर्मला सीतारामन सफर करती है, यूज करती हैं 1500 सीसी मारुति कार, और वो उसी मारुति पर पहुंची बजट $576 बिलियन का बजट पेश करने के लिए। और जब पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर बजट पेश करने के लिए पहुंचता है ऑफिस में, तो वो कितने मिलियंस का डायमंड का नेकलेस पहना होता है उसने, या वो कौन सी बड़ी से बड़ी और नई से नई लेविश गाड़ी पर पहुंचता है वो बजट पेश करने के लिए। क्यों कह रहे हैं कि मैं रोका नहीं गया, आप बड़ा हंगामा चाह रहे थे, इससे भी बड़ा चाह रहे थे। इस किस्म के नैरेटिव बना के आप कौम को ना कौम पहले इससे कन्विंस हुई ना वो। मैं कौन हूं कि नैरेटिव बनाने वाली, आप लोग खुद खबरें दे रहे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने 23 जुलाई को साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया है, जिसमें डिफेंस बजट 6.9 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसे देख चीन और पाकिस्तान सदमे में हैं। बजट 2024 में भारत का रक्षा क्षेत्र न केवल पहले की तुलना में अधिक मजबूत होगा, बल्कि इसका फायदा तीनों सेनाओं के मौजूदा व पूर्व सेनाओं को भी मिलेगा। डिफेंस बजट के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे टॉप पर आता है, जबकि चीन और रूस के बाद भारत का डिफेंस बजट चौथे नंबर पर आता है। इस मामले में पड़ोसी देश पाकिस्तान तो 30वें पायदान पर आता है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट 71,000 करोड़ का है, जो भारत के डिफेंस बजट की तुलना में करीब 10 गुना कम है। भारत की रक्षा ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के कुल डिफेंस बजट से 2 गुना भारत पेंशन बांटने पर खर्च कर देता है। भारत का डिफेंस बजट देख पाकिस्तान तिलमिलाया उठा है और बोल रहा है कि ये बजट हमारे लिए बढ़ाया गया है, चीन के लिए नहीं। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन 1500 सीसी मारुति पर सफ़र करती हैं, और 1500 सीसी मारुति पर ही उन्होंने अपने ऑफिस पहुंचकर $576 बिलियन का इंडिया का बजट पेश किया है। ये एक ऐसी बात है कि जो जिसको याद रखना चाहिए, और आप मेरा टाइटल देख रहे होंगे उसके अंदर जो मैंने ये कहा कि डूब के मर जाओ, ये मैंने उन लोगों के लिए कहा है कि जो दुनिया भर की जो सबसे कीमती और महंगी गाड़ियां होते हैं उस उन गाड़ियों पे सफ़र करते हैं और उनका बजट जो है वो बहुत ही थोड़ा होता है। इस वक्त इंडिया के बजट की न्यूज़ वायरल हो रही है पूरी दुनिया में, मेरे सामने दुनिया भर का मीडिया इस वक्त ओपन है। मैंने कहा, अचानक मेरी नज़र पड़ी इस बजट पर, मैंने कहा कौन सी खबर चल रही है, हर जगह पर एक ही खबर चल रही है। फ्रांस न्यूज़ से लेकर, फ्रांस 24 से लेकर रॉयटर्स तक, हर जगह पर खबर ये चल रही है कि इंडिया ऑन $24 बिलियन जॉब्स, जो कि ये जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं 40 मिलियन से ज़्यादा यूथ के लिए। वो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की निर्मला सीतारामन सफ़र करती हैं, यूज़ करती हैं 1500 सीसी मारुति कार, और वो उसी मारुति पर पहुंची बजट $576 बिलियन का बजट पेश करने के लिए। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और जब पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर बजट पेश करने के लिए पहुंचता है ऑफिस में, तो वो कितने मिलियंस का डायमंड का नेकलेस पहना होता है उसने, या वो कौन सी बड़ी से बड़ी और नई से नई लेविश गाड़ी पर पहुंचता है वो बजट पेश करने के लिए। ये है फर्क
और इस फर्क को समझना चाहिए। अगर वो इस वक्त आज इस जगह पर है, इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो खुद बहुत सादा जिंदगी गुजारते हैं। आप देखिए उनके जो मिनिस्टर ने पेश किया, निर्मला के हाथ में कितने मिलियन डॉलर की घड़ी थी, उनके शूज की क्या प्राइस थी, जरा आप चेक कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ जनाब, श्रीलंका को 95 करोड़ उन्होंने रखा श्रीलंका के लिए। क्या की गलना कर रहे हो, तुसी बातें क्या कर रहे हैं, आप कहाँ पे पहुंचे हैं, मुंह उठा के आप ऐसे इंडिया की बात ना कर दिया करें। 95 करोड़ तो उसने श्रीलंका के लिए रख दिया है, नेपाल के लिए कुछ 150 करोड़ के करीब रख दिया है, भूटान के लिए कहा जा रहा है कि 350 करोड़ बजट जो है वो दे रहा है इंडिया, बांग्लादेश के लिए वो 80 करोड़ के करीब दे रहा है, म्यांमार के लिए जो है वो उसने 250 करोड़ के करीब बजट रख दिया है इंडिया ने, अच्छा मॉरिशियस के लिए 370 करोड़ दे रहा है, चाबहार के लिए 100 करोड़ रख दिया उसने बजट, चाबहार के लिए एक पोर्ट के लिए उसने 100 करोड़ दे दिया बजट। तो भारत का ये बजट ना, ये सिर्फ भारत का बजट नहीं है, ये पूरे रीजन का बजट है, वो रीजनल बजट होता है ये। मेरा तो ख्याल है कि वो टाइम आने वाला है कि जब वो दूसरे ये जो वेस्ट इन कंट्रीज के लिए भी किसको ज़रूरत पड़े तो इनको भी बजट रख दें, इनके लिए भी कि ये लें जी आप भी ले लें, कोई मसला नहीं है। इन इस जगह पर है इस वक्त इंडिया, और टके टके की बातें उठ के कोई भी करके कर देता है। आप मुकाबला तो करें ना पहले, आप इकोनॉमी में मुकाबला करें, किन जगहों किन चीज़ों में, आप एजुकेशन में मुकाबला करें उनसे। दोस्तों भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है, जारी बात है ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है कि इंडिया ने तकरीबन 4.8% अपना डिफेंस बजट बढ़ाया, यानी कि अगर इट वॉज अबाउट 5.93 लाख करोड़, नाउ दिस इज 6.2 लाख करोड़। चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाएं अगर फॉर एग्जांपल, तो जारी बात है इंडिया स्टैंड समवेयर अबाउट 75 बिलियन डॉलर के करीब कहा जा रहा है, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स हैं दरअसल, और लेकिन 75 बिलियन डॉलर है। चाइना 225 बिलियन डॉलर, उन्होंने 2024-25 के लिए जो है वो 72% इंक्रीज किया चाइनीज ने, सो 225 अरब डॉलर है। पाकिस्तान 15 अरब डॉलर, सिर्फ 15 बिलियन डॉलर। इंडियंस 75 बिलियन डॉलर पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान सिर्फ 15 अरब डॉलर। अब आप देखें एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पार, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। अब पाकिस्तान इसका कैसे मुकाबला करेगा, क्या होगा, कैसे ये पूरे का पूरा जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जबकि इंडिया इस वक्त फोकस कर रहा है आत्मनिर्भर भारत पे। अगले दिन बहरहाल मैंने इंडिया के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को सुना, जिन्होंने ये कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत है इससे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक इंडियन डिफेंस फोर्सेज ऑटोनमस, सो वी नीड टू इमीडिएटली बाय द मिलिट्री हार्डवेयर। सो अगर आप जाएं और जिसे वो कहते हैं ना कि सिप्री का डाटा देखें, जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर आप उसका डाटा देखें जाके, ठीक है, तो देन आपको पता चलेगा कि हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड, चीज़ें कैसे जो हैं वो शेप हो रही हैं। और ये जो सिप्री है इसमें जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं, इसमें देखा जाए तो जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है दैट इज 2443 बिलियन डॉलर, यानी कि ऑलमोस्ट 2.43 ट्रिलियन डॉलर द वर्ल्ड इज स्पेंडिंग इन 2024, विच इज 6.8% इंक्रीज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 2023। अब इंडिया जो है उसमें तगड़ी पोजीशन में, ठीक है जी, इंडिया कहा जा रहा है कि फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है ग्लोबली, हमने इंडिया का जो मुकाबला कैसे करना, मतलब हमारे लिए बड़ी फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स सीरियस मैटर। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये जितनी हाईएस्ट लेवल पे एलोकेशन हो रही है,